दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन गुप्ता, एक और नया फ्रेश वीडियो लेके आ चुका हूं आप सभी के ठीक सामने। तो भाई सामने आप देख रहे हो ब्रीजा VXi वेरिएंट। तो VXi में भाई एलोय दिख रहे होंगे, एलोय नहीं आते हैं, आते इसमें वही हैं। तो भाई आज ये ना कंपनी में रुड़की में ये लॉन्च हुई है आज शोरूम में, ये देख सकते हो आप। एक साथ तीनों ही ब्रीजा लगी हुई है और एक की तो डिलीवरी भी कर दी, जो कि आपने मेरे चैनल में पहले देखी होगी, LXi वेरिएंट की डिलीवरी हो चुकी है। तो भाई ये जो है इसमें एलोय नहीं आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये इन्होंने लगा रखे हैं डिस्प्ले के लिए। तो भाई फ्रंट से आप देख रहे हो ये है VXi वेरिएंट, चार वेरिएंट आते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस, ये सब आपको इसमें वेरिएंट देखने में मिलते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं सेकंड बेस मॉडल यानी कि VXi। तो फ्रंट से कुछ इस तरह की आपको लुक देखने मिलता है, हैलोजन में इसकी लाइट आती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं आपको, फिर इंडिकेटर लैम्प, और यहाँ पर मिल जाते हैं आपको TRLs वगैरह जो है मिलते हैं, वो भी यानी कि हैलोजन में ही है। लाइट्स काफ़ी अच्छी सेफ भी कर दी गई है, पहले से काफ़ी अच्छा चेंजेस कर दिया गया है। ग्रिल की अगर बात करी जाए तो आपको इसमें ग्रे कलर की ग्रिल मिलती है, प्लस आपको क्रोम की यहाँ मिल जाती है इसमें फिनिशिंग, काफ़ी अच्छा लगता है। सुजुकी का लोगो प्लस विटारा ब्रीजा जहाँ पे लिखा है, अभी ब्रीजा के नाम से आती है तो विटारा के नाम से नहीं आती है, प्लेट लगा रखी है उन्होंने। तो भाई यहाँ पे इसकी वो लगेगी, क्या नाम है, नंबर प्लेट। नीचे आपको एडर ग्रिल कुछ इस तरह से दी गई है और हॉर्न के लिए अलग से कटिंग करके दिया गया है बम्पर में ही, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है। और साथ में आपको फोग लैंप यहाँ पे लग जाएंगे, कंपनी से आप लगवा सकते हैं, एसेसरीज का पार्ट है, आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। फ्रंट से पूरा इस तरह का पूरा लुक देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, काफ़ी बड़ी गाड़ी लगती है देखने में, लेकिन साइज जो डिमेंशन थी वही सेम है जो पहले आती थी। तो फ्रंट आप देख रहे हो बैलून जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो भाई वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि गाड़ी के लॉन्चिंग में, जैसे मैंने बताया आपको, दो वाइपर दो वॉशर मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ी विंडशील्ड मिल जाती है। साथ में आपको कुछ टायर साइज की बात करी जाए तो उसमें आपको 16 इंचज़ का टायर साइज मिलता है, व्हील मिलता है आपको स्टीम व्हील, ये वाला नहीं मिलता है। ओआरएम मिल जाते हैं इसमें आपको, ऑटो फोल्डेड ऑटो एडजस्टेबल ओआरएम मिलते हैं, प्लस डोर हैंडल मिल जाता है इसमें आपको कलर वाले, बॉडी कलर ही। नीचे आपको कुछ इसकी ग्लाइडिंग देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी ग्लाइडिंग लगती है और बहुत बढ़िया लगता है, यानी काफ़ी बड़ी बड़ी भी कर दी गई है इसमें, जैसे आपको XL6 में देखने मिलती है उस तरह से आपको ग्लाइडिंग भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है। कुछ आपको ये सीरीज का पार्ट है सिल्वर का दिख रहा होगा आपको, ये कंपनी से लगवाया है। ऊपर से कुछ इस तरह की प्रोफाइल साइड से कार की अगर बात करी जाए, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में ये। अब आते हैं बैक प्रोफाइल में, तो बैक प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो जो इसमें आपको लाइट्स बेस मॉडल से मिलती हैं वही आपको टो वेरिएंट में मिलती हैं, पूरी आपको ये LED आती हैं लाइट्स देखने के लिए। इनको मैं ऑन करके दिखाता हूँ ये कैसी लगती हैं देखने में। तो अगर बात करी जाए तो आपको यही आपको LED का सेटअप देखने में मिल जाता है इसमें, बेस से लेकर टॉप तक वही, ये आपको रिवर्स लाइट और आपको यहाँ पे इंडिकेटर लैंप्स, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, बेस वेरिएंट से ही आता है स्मार्ट हाइब्रिड वाला जो इंजन है इसमें, ब्रीजा की बैजिंग और प्लस सुजुकी का लोगो, यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और कुछ आपको चार इसमें रिवर्स मिल जाते हैं इसमें रैक सेंसर, प्लस आपको कैमरा भी मिल जाता है VXi से ही, देख सकते हो आप कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे है, और प्लस आपको यहाँ पे इसमें मिल जाती है इसके नंबर प्लेट की ऑप्शन। दो रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, काफ़ी बड़े लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है शोरूम में, क्योंकि गाड़ी की आज ही लॉन्चिंग हुई है यहाँ पर रुड़की में। कुछ आपको 7 टाइप एंटियाँ देखने मिल जाता है जो कि काफ़ी सही लगता है, यहाँ पे आपको डिफोकर देखने मिल जाता है और यहाँ पे एक स्पॉइलर मिल जाता है छोटा सा कंपनी फिटेड, इसमें आपको ब्रेक लाइट देखने मिलती है जो कि काफ़ी सही लगता है, वाइपर वगैरह इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं कार के इंटीरियर में, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भारी शोर हो रहा है, जो मुझे दिखाना था मैंने आपको दिखाई दिया। और अगर इसके पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करी जाए तो आपको 48 लीटर्स की आती है वो। अब चलते हैं इसके रियर में, तो भाई सबसे पहले रियर कह रहा हूँ फ्रंट में, तो भाई कार में बैठ जाते हैं और इसको कर लेते हैं बंद। क्या करूँ, बस बैठ ही गया मैं। तो भाई इसमें आपको चारों पावर विंडो, अब शोर कम हो गया होगा, चारों पावर विंडो, डोर अनलॉक का और चाइल्ड लॉक का, प्लस ऑटो फोल्टेड ORVM प्लस एडजस्टेबल दोनों ही देखने मिलते हैं। इसके लीवर की बात करें तो आपको ब्लैक देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्विटर की मिल जाता है, यहाँ पे कुछ आपको इसमें स्पीकर प्लेट यहाँ मिलते हैं, नीचे आपको दिया गया है यहाँ पे बोटर होल्डर और कुछ थोड़ा बहुत स्पेस सामान रखने के लिए। यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ की, इग्निशन ऑन ऑफ की और अट्रैक्शन ऑन ऑफ की बटन दे दी गई है, और लाइट का थ्रो आपको कहाँ पे चाहिए उस तरह से यहाँ पे भी बटन दे दी गई है। मैनुअली आपको यहाँ पे की लगती है, कोई भी आपको इसमें कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता, की वही आती है जो पहले आती थी और कोई भी चेंज नहीं हुई है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पे कुछ इसके मोड्स दिखते हैं मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, प्लस आपको यहाँ पर फ़ोन उठाने काटने के और एलेक्सा यानी कि जो भी आप एलेक्सा टाइप का फीचर इसमें देखने मिल जाता है। इसकी बात करी जाए क्लस्टर की, तो टैकोमीटर कुछ आपको 8000 तक की मार्किंग देता है, प्लस आपको 220 की यहाँ पर मिल जाती है इसकी स्पीड की बैजिंग। और भाई ये सब कुछ यहाँ इसमें यानी कि LXi में तो कुछ भी शो नहीं होता है, इसमें सब कुछ होता है। मैं गेयर ऑन करूँगा तो भाई यहाँ पे शो हो गया, बंद करूँगा तो ये हो गया। प्लस आपको यहाँ पे अभी मेरे पे की नहीं है इसकी, क्योंकि अभी शोरूम में गाड़ी खड़ी है तो अभी इन्होंने ले रखी है की। तो भाई यहाँ पे सब कुछ अधिकतर पेट्रोल का, प्लस आपको रेंज कितनी बची है, कितना पेट्रोल है, सब कुछ इसमें शो करेगा ये, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। और भाई इस पर
इस पर इन्होंने कर रखा है कुछ कवर सा लगा रखा है जो कि इस सीरीज का पार्ट है, कंपनी यानी कि उसमें नहीं देती है। ऑटो क्लाइमेटिक एसी आता है, वही यूनिट आपको देखने मिलती है सेम जो कि आपको मिल जाती है बलेनो में, जो कि इन्होंने बेस वेरियंट से देना शुरू कर दिया। पर लेकिन बेस वेरियंट में आपको एलएक्सआई वाले में ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक एसी नहीं मिलता, मैनुअली मिलता है। सिंपल वाली बात करी जाए कुछ यहाँ पे इस तरह की आपको ये मिल जाते हैं इसके एसी वेंट्स। सिल्वर की काफ़ी अच्छी ब्रीथिंग देखने मिल जाती है जो कि आपको बेस रेंट में नहीं मिलेगी। बेस रेंट में भाई कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल कार दे दी जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं मिलेगा। इस वाले वेरियंट से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ये 7 इंच की कुछ स्क्रीन है इनकी जो कि चलती आ रही है पुरानी टाइप की, वही मिलेगी। लेकिन थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं इन्होंने, काफ़ी सही लगता है ये सिल्वर की फिनिशिंग। और ये डिज़ाइन देखो आप, यहाँ से लेके और यहाँ पे नीचे यहाँ तक है, ये यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे नहीं है, जो कि काफ़ी सही दे रखा है। यहाँ पे कुछ यूएसबी का पोर्ट दे रखा है, प्लस आपको यहाँ पे दे रखा है चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो भी है, फ़ोन रखने की जगह में दे दी गई है। और बाकी मैंने आपको बताई दिया कुछ, ये डिस्प्लेस काफ़ी सही लगती है। एक एयरबैग यहाँ मिलता है आपको इस वेरियंट में, एक वहाँ मिलता है। टॉप एंड वेरियंट में जाओगे तो आपको 6 एयरबैग का सेटअप मिलेगा, प्लस आपको हेड अप डिस्प्ले और प्लस आपको यानी काफ़ी अच्छी फीचर मिलेंगे, 10 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी टॉप वेरियंट में। ZXi प्लस में, ZXi में भी नहीं मिलते वो सब आपको। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ फैब्रिक का मिला है ब्लैक कलर में, कलर तो वेरिएंट में आपको मिलेगा यहाँ पर उसका ब्राउन कलर का, तो यानी कि ठीक लगता है मुझे, काफ़ी अच्छा है ना कि ये, मुझे ये वाला वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा। एलएक्सआई वेरिएंट बहुत सिंपल दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, ना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, ना आपको यहाँ पर एसी वेंट यानी कि एसी वेंट कह रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक एसी है, ना स्क्रीन है, ना साउंड सिस्टम है, कुछ भी नहीं रखा है एलएक्सआई में। तो ये वाला जो वेरिएंट है वैल्यू फॉर मनी है, एंड मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। सीट कवर कुछ इस तरीके की दे रखे हैं इन्होंने, यानी सीट का पता तो लगेगा नहीं क्योंकि सीट कवर चढ़े हुए हैं इस पर। 5 फीट मैनुअल ट्रांसमिशन का इसमें आता है गियर बॉक्स, और आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक, कुछ बोटर होल्डर का स्टैंड, सिंपली आपको यहाँ पर हैंड रेस्ट इस वाले वेरिएंट में भी नहीं दिया गया, एलेक्स में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लगवा सकते हो इसका पार्ट है सब कुछ। ओवरऑल की बात करें तो ये भाई इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, स्पीकर यहाँ मिल जाता है आपको यहाँ पर, यानी कि वॉइस आप जब बातचीत करोगे इस चीज़ के लिए, प्लस आपको टिकट होल्डर, और यहाँ मिल जाता है आपको एक मिरर जो कि सही है एलेक्सआई वेरिएंट में, ये भी नहीं है। यदि आप कह रहे हो कि मैं ये सब बता रहा हूँ तो भाई मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ इस तरीके से कि एलेक्सआई वेरिएंट में क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और एक तरीके से इस कार का रिव्यू भी है कि भाई इस रिव्यू में कार में आपको क्या क्या देखने मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा मिल जाता है। नीचे अगर बात करी जाए तो बहुत ये भी बढ़िया है, और भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है ये कार मुझे जो लगता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब मैं चलता हूँ इसके रियर साइड में कि रियर साइड में मुझे कैसा स्पेस देखने मिलता है। तो पहले इसको मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि अगर मैं कार चलाऊँगा तो मैं कितना स्पेस लूँगा, भाई मैं इतना लूँगा। अब मैं उतरता हूँ इससे, तो अगर डोर की बात करें तो सिंगल यूनिट आपको देखने मिल जाती है, कोई भी आपको इसमें डुअल टोन का काम नहीं मिलता है। फैब्रिक का ब्लैक कलर में कलर मिलता है इसमें, जो काम थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच है, प्लस आपको यहाँ पर इसकी मिल जाती है पावर विंडो का ऑप्शन, और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ कुछ बोटल होल्डर। अब अंदर बैठ जाता हूँ फटाफट से, नहीं तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अंदर बैठ के बात करी जाए तो भाई पहले से ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव कर दी गई है, वैसे भी ग्लोबल एन के 4-स्टार रेटेड कार थी पहले भी ये, अब और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। अगर इसकी बात करी जाए तो भाई यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ हेड रूम में भी काफ़ी स्पेस है, हेड रेस्ट भी आ जाते हैं, एलएक्सआई वेरिएंट में हेड रेस्ट नहीं आते हैं। और ये कुछ थोड़ा बहुत स्पेस सपोर्ट यानी कि अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, मेरी थाईज देख सकते हो आप बहुत अच्छे से रखी गई हैं, यानी रखी गई हैं क्या नाम है, बैठा हूँ मैं बड़े आराम से, सही है 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। एसी वेंट दे दिए गए हैं, पहले जब बात करी जाए तो एसी वेंट मुझे पता नहीं है ध्यान से कि आते थे नहीं आते थे, लेकिन इस बार आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कोई पावर सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है यार होना चाहिए था यार, ये तो दे देते कम से कम। तो पीछे से अगर आप कुछ देखोगे तो इस तरह का आपको इंटीरियर देखने मिलेगा इसका, तो काफ़ी अच्छा लगता है जो कि ये। तो भाई पूरा ये मेरा ओवरऑल व्यू तो इसका अंदर का ये रहा। अब इसका मैं आपको एक बार बूट दिखाता हूँ, बूट कितना बड़ा देखने मिल जाता है। तो इसको यहाँ से हम खोलते हैं, ब्लैक कलर में रिवर मिलता है, कोई भी क्रोम ना कोई सिल्वर की फिनिशिंग है इस पर, ठीक है, यानी कि एलएक्सआई वेरिएंट में इतना कुछ दे रखा है। अब काफ़ी ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा आपको कि भाई फिर से बाहर आ जाऊँ, लाइट मैंने आपको दिखा दी, बैक प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी इसकी, अब कर लेते हैं इसकी बात यहाँ से। तो यहाँ पर एक बटन है, तो भाई ये बंद है यार, ये नीचे में भी बंद लगा रखा है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन अगर इसकी बात करी जाए तो ये कुछ आपको ये आता है 350 लीटर के आसपास आता है, जो पहले आता था वही साइज़ आपको इसमें इसका मिल जाता है, इसके बाद आपको वही साइज़ का मिल रहा है जैसे मिल रहा है ब्लैक प्रोफाइल की इस तरीके की। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शन की, इंजन ऑप्शन इसमें क्या देखने मिलता है। तो भाई इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर इसमें पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है, जो कि आपको अर्टिगा XL6 और काफ़ी सारी कार्स में यानी कि जो सियाज वगैरह है उन सब में यूज़ किया जाता है। तो भाई
ओवरऑल एक्सपीरियंस में ये था। इसके बाद प्राइस लिस्ट भी बताता हूँ मैं आपको, प्राइस क्या मिलता है। अच्छा फ्रंट के बाद लाइट दिखाया था मैं आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है प्लस आपको क्रोम की भी मिलती है, तो कुछ आपको इसमें टीआरएस टाइप का छोटा सा बल्ब देखने मिल जाता है। तो काफ़ी सही लगती है कार फ्रंट से, ये थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, तो जो सही लगता है। अब इसकी अगर बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस बताता हूँ मैं आपको, एक्सरूम प्राइस है वो है 9.46 लाख रुपीज़ का जो एक्सरूम प्राइस है। ऑन रोड की बात करें लगभग लगभग आपको 11 लाख रुपए की पड़ जाती है। तो आपको मेरा कूल एक्सपीरियंस ये रहा कार के साथ, आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जो मैंने बताया आपको, तो बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग आती रहेंगी आपके लिए। थैंक यू।